पूर्व दिल्ली के कुछ अस्पतालों में नहीं हुई हड़ताल। डॉक्टर्स ने हेडगवार और चाचा नेहरू अस्पताल में जारी रखी सेवाएं। जीटीबी अस्पताल में जारी रही सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं। परेशान भटकते रहे इलाज के लिए मरीज। न्यू उस्मानपुर इलाके में युवक की हत्या। बिहार से काम की तलाश में दिल्ली आया था युवक। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पतंगों से सजा पूर्व दिल्ली का चांद मोहल्ला बाजार। पतंग बाजार में ग्राहकों की भारी कमी। बारिश की वजह से पतंगों की बिक्री पर हुआ असर। पूर्व दिल्ली में स्कूल की दीवार गिरने से कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। लोगों का कहना, सरकार ने दीवार बनाने में की खाना पूर्ति। बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़। न्यू अशोकनगर में प्रॉपर्टी विवाद में खूब चले लाठी डंडे। 10 नकाबपोश बदमाशों ने घर पर बोला धावा। मामले में मुकदमा दर्ज कर चल रही है आगे की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश के डॉक्टर में भारी नाराजगी है। इस हत्या की घटना के विरोध में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने हड़ताल की घोषणा का ऐलान किया था। इस पर दिल्ली के बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। बता दें, जब सीसीएन संवाददाताओं ने पूर्व दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों का जायजा लिया तो पाया कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ओपीडी पूरी तरीके से बंद रही और डॉक्टर ने पूर्ण हड़ताल जारी रखी। वहीं डॉक्टर और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हड़ताल में मौजूद रहे। उनका कहना है कि जिस तरीके से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जिसमें हम भी अपना विशेष दर्ज योगदान करा रहे हैं। प्रशासन हमारी मांगे नहीं सुनता तो हम ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे। पिछले एक महीने में जेटीबी अस्पताल में ये तीसरी हड़ताल है, जहां डॉक्टर अपनी सेफ्टी को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं ओपीडी पूरी तरीके से बंद होने के बाद मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीजों को अस्पताल के ओपीडी के गेट पर ताला टंगा मिला, जिससे वो काफी परेशान रहे। हड़ताल पर मरीजों का कहना है कि आज डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे हम ओपीडी में डॉक्टरों ने नहीं देखा। वहीं इमरजेंसी वार्ड पूरी तरीके से चालू रहा। एक और कई अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर रहे तो दूसरी तरफ चाचा नेहरू बाल चिकित्सा और हेडगवार में सोमवार को कोई हड़ताल नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक ये हड़ताल अस्पताल में मंगलवार को होने की संभावना है। फिलहाल सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। सर, हम जो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशन वाइड, डॉक्टर्स हर मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रहा है। हम इसीलिए कर रहे हैं, जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है, हमारे फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है, और उसके बाद भी जो जो क्राइम के बाद जो पनिशमेंट मिलना था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बहुत सारे अथॉरिटीज़, प्रिंसिपल और ये लोग इन्वॉल्व है जो उसको दबाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको जो भी रियल कल्प्रिट है उनको सज़ा मिले। आज 2:30 पे हमारा जो है सॉलिडेरिटी मार्च निकालेंगे हम यहाँ से। लगभग सभी हॉस्पिटल्स में जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के। क्या बोला गया यहाँ बंद कर दो बाबू? क्या बोला गया? अभी डॉक्टर नहीं है। कब से डॉक्टर नहीं है और कुछ बताया गया कब इलाज होगा? मैं सुबह 8 बजे आया हूँ और डॉक्टर बुधवार को आएंगे। सर, ये कहा गया कि इमरजेंसी का लिखवा लो, दवा मिल जाएगी। डॉक्टर नहीं बैठे देखने के लिए और दवा भी नहीं लिखी। कौन सा अस्पताल है ये? जीटीबी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना इलाके से एक मर्डर का मामला सामने आया है। बता दें, परिजनों के मुताबिक अमित कुमार नाम का व्यक्ति बिहार से दिल्ली काम करने आया था। अमित कुमार 2000 रुपए लेकर घर से निकला था। दिल्ली में काम न मिलने के बाद वो बिहार वापस जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उसकी ट्रेन छूट गई, जिसके बाद अमित अगली ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। परिजनों ने बताया कि अमित को वहां एक व्यक्ति मिला जो उसे बहला फुसला कर न्यू उस्मानपुर इलाके में ले गया, जहां छीना झपटी कर उसे मार दिया। आपको बता दें, परिजन को अमित के बारे में पुलिस ने कॉल कर जानकारी दी। परिजन के पूछने पर पुलिस ने बताया कि वो पूछताछ कर रही है और अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेरे को घर से कॉल आया कि भैया हॉस्पिटल न्यू उस्मानपुर थाना है,
वहाँ बेहोश मिले हैं। फिर निमिहा आने के बाद पता चला कि भैया डेड कर गए हैं, इनका कोई मर्डर कर दिया है छीनने उन्ने में। उसमें एक पर्सन पकड़ाया है, वो पर्सन पकड़ाया है वो थाना में है। सिंधु बॉर्डर की तरफ आए थे कोई कंपनी में काम करने के लिए, वो घर जा रहे थे, उनका तबीयत खराब था तो घर से उनको 2000 रुपया भेजा गया था कि घर आने के लिए। तो न्यू दिल्ली स्टेशन वो आए तो ट्रेन छूट गया था, उनको जाना था संपूर्ण क्रांति से, 5:25 में खुलती है। तो फिर कोई रात में ट्रेन था महाबोधि, तो कोई उनको आया स्टेशन पर, तो दोस्ती यारी नहीं बना लेता है कि ठीक है भाई हम भी बिहारे जा रहे हैं, चलो यहाँ से नहीं मिलेगा गाड़ी दूसरा जगह से। अब भैया उतना पढ़े लिखे हुए नहीं थे। ये इनकी सास ने मेरे पास फ़ोन कर दी कल 10:30 बजे के आसपास सुबह, कैसे से बात हुई वहाँ पर रहते हो, इसलिए मैंने मिलने के लिए आया था। कैसे उनकी मृत्यु हुई है पता लगता है ना? ये तो बता रहे हैं कि सब छीन छोर वाले किए थे, उसको कुछ पिला खिला दिए थे, नई दिल्ली स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ से ट्रेन छूट गई थी, तो आनंद विहार जा रहे थे तो उसे कुछ किसी ने खिला पिला के छीन छोर कर लिए थे और बार कर दिए हैं चाकू से, सिर पर चोट आई है उसका। ये वो पटना के, मैं तो पटना का रहने वाला हूँ, वो जहानाबाद का। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूर्वी दिल्ली के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है। बाजारों में पतंगों की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। इसी को लेकर सीएसएन संवाददाता ने चांद मोहल्ला के पतंग और मांझे की मार्केट का जायजा लिया। इस बार मार्केट का नजारा अलग ही देखने को मिला। दरअसल यहां हर साल पैर रखने की जगह भी नहीं हुआ करती थी, फिलहाल मार्केट खाली नजर आया। इसको लेकर व्यापारियों से बात की गई। व्यापारियों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीदारी बारिश की वजह से बहुत ही मंदी है। रोजाना बारिश होने से हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर जब संवाददाता ने ग्राहकों से बात की तो उन्होंने बताया कि पतंग का ये सीजन है लेकिन बारिश के मौसम में बाहर निकलने का मन नहीं करता, हर जगह पानी भरा हुआ है, ऊपर से पतंग में 1 से 1.5 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है और मांझे में करीब 30 से 40 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिमांड इस टाइम बढ़िया चल रही है, मार्केट का माहौल बारिश की वजह से थोड़ा सा खराब है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब ये बारिश रुके तो थोड़ा काम, बच्चों के लुभाने टाइप में हर तरीके की पतंग है, जैसी ऊंचाई डिजाइनर, डोरेमोन, सिद्धू मूसे वाला, शेर वगैरह, हर तरीके की पतंग। बाजार तो स्लो है, ओवरऑल तो स्लो है ही है, ऊपर से भगवान में इस साल बड़ा ज़्यादा मेहरबान है। सर प्लास्टिक मांझा अगर चलता रहा यार मार्केटों में तो नहीं बिकता, लोग आउटसाइड से ले रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये व्यापार ज़्यादा दिन चलने वाला है। हाँ, क्योंकि वो लोगों के गर्दन काट रहा है, धागा टूट जाता है वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल नहीं है, मार्केटों में नहीं बिकता वो। अब वो लोगों के ऑनलाइन आ रहा है या घरों से आ रहा है, बस ये खेल है। डोरेमोन वगैरह है, स्टाइलिश वगैरह सब ऐसी स्टाइलिश पतंगे। थोड़ा माहौल तो लगभग सही सा है, बस अभी थोड़ा बारिश को लेकर थोड़ा ठंडा है मामला। प्लास्टिक मांझे के लिए पब्लिक भी समझ चुकी है, पब्लिक भी बहुत कम मांग रही है, दुकानदार तो कोई रख ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये तो सबको करना पड़ेगा, सबके सहायता से ये जो मामला हो सकता है सबका नुकसान है। डिमांड तो कुछ भी नहीं है, अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है, हम सब बैठे हुए हैं, अभी तो किराया भी नहीं निकला दुकानों का, लड़के आ रहे हैं अभी सोच रहे हैं लड़कों को बुलाए नहीं बुलाए, माहौल काम है ही नहीं, कस्टमर देखो 3-4 दिन है, 15 अगस्त में काम नहीं है बिल्कुल। भाई 7 रुपये की पतंग ली है ये, और मांझा जो है 3 दिन का लिया 550 रुपये का, और वो जो है सद्दी का रील लिया 80 रुपये का। पिछले साल के और इस साल के रेट इस बार बहुत बढ़िया है, फर्क है, बहुत फर्क है। हम पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ले में आए हैं जहाँ पे ये पतंग मार्केट है, जहाँ पे ग्राहकों एवं दुकानदारों की एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है कि अब जो सीज़न है वो साल के बाद आता है, वो आज आने वाला है। कुछ केवल 2 से 3 दिन 15 अगस्त को रह गए हैं, फिर भी देख सकते हैं कि जो ग्राहकों की बात की जा रही है तो ग्राहकों से हमने पूछा था कि कैसे कैसी पतंगें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी तरह की लुभाने लायक पतंगें हर दुकानदार ने रखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पिछली बार के रेट से कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी पर जब दुकानदारों से सवाल किया गया तो दुकानदारों ने कहा कि अभी फ़िलहाल दिल्ली के अंदर तमाम रोज़ाना बारिश हो रही है, जिसके तहत मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं आ रहा है और ग्राहक सूनी है, दुकानदार खाली बैठे हैं उस विषय को लेकर। और सबसे बड़ा टॉपिक दिल्ली के अंदर प्लास्टिक मांझे को लेकर बड़ी सख्ताई है, और उसी में आज चांद मोहल्ले में जो पतंग मार्केट है उसकी मार्केट एसोसिएशन वालों ने भी यही डिमांड रखी और सब दुकानदारों ने यही कहा है कि हम पूरी मार्केट के अंदर प्लास्टिक मांझे का बहिष्कार कर रहे हैं और प्लास्टिक मांझा कोई भी नहीं बेच रहा है, और ग्राहकों की भी फरमाइश पर बिल्कुल नहीं मंगाया जा रहा है, जो है कि भारतीय जो भारतीय पतंगे बन रही हैं, भारतीय मांझा बन रहा है, वो ही बेचा जा रहा है। फिलहाल ये चांद मोहल्ले की दुकान है जहाँ पर तमाम तरह की पतंगे रखी गई हैं और लोगों को लुभाने के लिए रखी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
छोटा भीम भी है और मोटू पतलू और सिद्धू मूसेवाला, ऐसे पतंगे जो बच्चों को लुभाती हैं, उस विषय को भी बड़े ध्यान से रखा जा रहा है। ये थी कि चांद मोहल्ले की मार्केट और 15 अगस्त की स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो चल रहे सतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर के इलाके न्यू कोंडली में एक सरकारी स्कूल के दीवार गिरने से एम्बुलेंस सहित 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सभी गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने एम्बुलेंस के मालिक से बात की तो उनका कहना था कि ये दीवार अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर कराई गई थी। ये दीवार पहले से ही झुकी हुई थी जिसे ठीक से नहीं बनाया गया था। उनका कहना है कि सरकार ने स्कूल की दीवार बनाने में सिर्फ खानापूर्ति की है, इसलिए भारी बारिश के चलते एक विशाल पेड़ स्कूल के दीवार पर गिर गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। वही दीवार जब सड़क की तरफ गिरी तो उससे बिजली के 2 खंभे भी टूटकर गिर गए। हाँ सर, जब काम करके आती गाड़ी तो खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ। डिफिकल्टी क्या है, ये जो वॉल्डिंग है ना ये स्कूल की, ये क्या है, पहले इसकी मरम्मत कराई गई है, जबकि ये ऐसी झुकी हुई थी, तिरछी थी ये दीवार। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले से ही है, इसकी मरम्मत कराई गई है, लेकिन लोग कहते हैं इसे उधेड़ के जब ही कराना चाहिए था ये दीवार, तो ये हादसा नहीं होता। ये आपकी कितनी गाड़ी इसमें डैमेज है? मेरी सर 2 गाड़ी डैमेज हुई है, अभी 5-6 महीने पहले अभी रिपेयर हुआ है करीब। अच्छा। तो इसमें क्या था, दीवार शुरू से ही देखो कहा था ऐसी टेढ़ी, हाँ टेढ़ी थी। ये 4-5 के बीच में हुआ है, जब बारिश का इतना ज़्यादा फ्लो था कि पेड़ उसको कैपेसिटी को झेल नहीं पाया, पेड़ जैसे गिरा है तो दीवार खुद उसके सहारे से गिर के 8-10 गाड़ी उसके बीच में आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, सारे आसपास का एरिया इतना ब्लॉक हो गया कि 4-5 बजे से और कोई सुनवाई भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है कोई ऐसा कि जो कि सपोर्ट हो सके थोड़ा बहुत। पब्लिक परेशान है, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक परेशान है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक ही परेशान है और कोई नहीं है बात। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में 10 से ज्यादा बदमाशों ने एक परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। मामले में पीड़ित विमल का कहना है कि तड़के तकरीबन 3 बजे 10 नकाबपोश बदमाश उनके घर पर दाखिल हो गए और उन्होंने घर के सभी सदस्यों पर लाठी डंडे बजाने शुरू कर दिए। पीड़ित का आरोप है कि इस हमले के पीछे उसके भाई का हाथ है। पूर्वी दिल्ली के DCP पूर्वा गुप्ता ने बताया कि पूरी घटना को लेकर रविवार सुबह न्यू अशोक नगर इलाके में झगड़े के बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पूछताछ में पीड़ित ने बताया कि करीब 10 लोग घर आए और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके चाचा रामविलास और उनके बेटे चित्रांशु, प्रियांशु और ब्रेट इस घटना के मास्टरमाइंड हैं। DCP ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे बड़े भाई जी जो PWD में रिटायर होकर 2018 में, RB अग्रवाल जी, रामविलास अग्रवाल, मैं यहाँ से 35-40 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं था। 2018 के बाद इन्होंने यहाँ अशोकनगर में मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैंने इसकी बहुत कंप्लेंट की हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। आज इन्होंने कल की रात, एक रात और 4 तारीख इन्होंने नोएडा सेक्टर 12 शिमला पार्क मेरे पास हमला करवाया, जिसकी मैंने सेक्टर 24 नोएडा में कंप्लेंट दी। 24 थाने वाले बोलते थे कभी कभी हरिदर्शन चौकी जाओ, हरिदर्शन वाले कहते 24 थाने जाओ। अगर इस 4 तारीख के बाद मुझे कल सफदरजंग से वो करा, रिचार्ज करा, मैं घर पर आया हूँ। अगर ये घटना की नोएडा में पहले ही हो जाती दर्ज, तो ये कल वाली घटना ये मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ नहीं घटती। अच्छा, जो कल जो घटना हुई उसमें तकरीबन कितने लोग थे? उसमें थे 20-25 के आदमी हैं, सॉरी 15-20 तो हैं। कल की जो घटना हुई, हाँ लेडीज भी थी उसमें, लड़कियाँ भी थी। हम हुए, मेरी वाइफ है सुनीता जी, और मेरी बड़ी बेटी काजल, छोटी बेटी रिया, और मेरा बेटा बड़ा अभिषेक। ताला वो गेट था, उनके गेट में लात मार के घुस गए अंदर और लाठी से मारने लगे सबको, बच्चों को, हमें सबको। इनको तो पहले से लगी थी, इनको मारने तो मेरी बेटी बचाने के लिए इनके आगे खड़ी, तो उस छोटी बेटी को भी बहुत मारा है, हाथों में, पैरों में एकदम। बड़ी बेटी मेरी बाल पकड़ कर बाहर ले गए, पहले सर पे डंडा, मेरे भी मारा, यहीं बेहोश हो गई थी, फिर खींच के बाहर ले जाके रोड पे बाहर पे मारा।
अगस्त 2024 में भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए 28 जुलाई 2024 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लोगों को हर घर तिरंगा की परंपरा को आगे बढ़ाने को कहा। इसको लेकर जब सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने दुकानदार से झंडे के रेट और बिक्री को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जो बड़ा झंडा है वो 200 रुपए का है, बाइक तिरंगा 20 रुपए का है, कैप 20 रुपए का है, टेबल फ्लैग 50 रुपए का, वही ऑफिस में रखने वाले तिरंगे की कीमत 10 रुपए है, फ्लैग का बिल्ला 10 रुपए का है। दुकानदार का कहना है कि अभी बिक्री काफी कम है, धीरे धीरे बिक्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये छोटा वाला तो ये 15 का है और बड़े वाला 20 रुपए का है। ये वाला कितने का है? ये 110 का बता रहे हैं भैया। 110 का बता रहे हैं। और ये छोटा वाला 15 का। अच्छा अच्छा, छोटे वाले 15। हाँ, और ये बड़ा वाला 20 का। वैसे जायज है जी, 200 रुपए का। 200 रुपए का। और ये जो पट्टा है वो 70 रुपए का होगा। ये वाला ये 25 का है। ये 25 का है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्ले भी लगा रखे हैं 15-10 को लेकर, वो कितने रुपए के होंगे? 10 का एक बेचते हैं। अच्छा, 10 का एक देते हैं। और जो कैप है वो कितने की दे रहे हो? जो गोल वाली कैप है वो 30 रुपए का। 30 रुपए। पहले महंगा हो गया था, बहुत ज़्यादा था। इससे अगले 2-3 जो मोदी जी ने बोला था हर साल झंडे, जब तो बहुत महंगा हो गया था। अच्छा, तो आप सस्ते हैं या नहीं? अब सस्ते हैं। देखो, आप सस्ते हैं, लोग खरीदने आ रहे हैं आपके पास? अभी तो देखो, अभी तो अभी आज ही लगाई दुकान। देखो, अच्छा, कम आ रहे हैं अभी तो, कम आ रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते देख बाजारों में चोरी छिपे चाइनीज मांजा की बिक्री भी तेज हो गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी छापेमारी अभियान को तेज कर दिया है। इस कड़ी में शाहदरा जिले के गांधीनगर पुलिस टीम ने पतंग मार्केट चांद मोहल्ला में प्रतिबंधित चाइनीज मांजा की बिक्री के खिलाफ छापेमारी की। पुलिस टीम ने एक शख्स को भी पकड़ा है जिसके पास से चाइनीज मांजा की 25 रेल बरामद की गई। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी की पहचान राकेश कुमार मोदी के रूप में की गई है। बता दें, थाना गांधीनगर के चांद मोहल्ला पतंग बाजार में अवैध चीनी मांजा बेचने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। थाना गांधीनगर के SHO देवेंद्र कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया और बुध बाजार रोड MCD ऑफिस गांधीनगर के पास जाल बिछाया गया। एक संदिग्ध व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक बैग लेकर रिक्शा पर जाता हुआ मिला, जिसे रोककर जांच की गई। जांच करने पर उस सफेद प्लास्टिक बैग के अंदर मांजा चरखी पाई गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये चीनी मांजा है। पुलिस ने पूछताछ करने पर आरोपी राकेश कुमार मोदी के निशानदेही पर 25 चीनी मांजा चरखी बरामद कर ली है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के समुदाय भवन में खुकरायन वर्ल्ड ब्रदरहुड की ओर से सोमवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। साथ ही स्थानीय विधायक SK बग्गा और निगम पार्षद संदीप कपूर ने समाज को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजकों से जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि खुकरायन वर्ल्ड ब्रदरहुड ईस्ट दिल्ली यूनिट साल के दो महत्वपूर्ण त्यौहार होली और स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती है। वही मुख्य अतिथि ने कहा कि आज मैं उत्तराखंड से दिल्ली के अंदर अपने भाइयों के बीच आया हूं और एक संदेश भी लाया हूं, सबका साथ सबका विकास, यही मैं स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं। खुकरायन बिरादरी का दिल्ली के विकास में जो योगदान है, अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा अपने जड़ों से उखड़ करके उसके बावजूद अपने को जिस तरह से यहाँ स्टैंड किया है उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया, आज उन्हीं की वजह से हम झंडा भी फहरा पा रहे हैं, कुछ बोल भी पा रहे हैं, तो मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। और जिस भावना से ये स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस भावना की रक्षा हम कर सकें, हिमालय की रक्षा कर सकें, गंगा की रक्षा कर सकें, और मैं तो ऐसी धरती से आया हूं जहां माँ गंगा और यमुना ने जन्म लिया है, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ हेमकुंड साहिब सारे तीर्थ वही हैं। देश की सेवा करें, अपने इलाके की सेवा करें, ईमानदारी से कार्य करें। इस आज़ादी को लाने के लिए जो लाखों भारतीयों ने बलिदान दिया उन्हें याद करना है, और देश की एकता अखंडता के लिए, भारत की स्वयं प्रभुता के लिए हम हमेशा एकजुट होकर काम करते रहे। खुकरायन बिरादरी हर वर्षी की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मना रही है। हमारी बिरादरी में 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमेशा ही बहुत उत्साहपूर्वक तरीके से मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे दिल्ली वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की,
और हमारी खुकरैन बिरादरी जो ईस्ट दिल्ली यूनिट है, ये होली का प्रोग्राम और 15 अगस्त का प्रोग्राम हर साल करीब 15 सालों से करती आ रही है। और मैं आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश का इतिहास है, जो देश की जो देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ की हुई हैं, उनको भी समझें, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर में जाई जा रही है। तो मेरा सभी लोगों से संदेश है कि अपनी जो भी हमारे जो बाल बच्चे हैं, जो आगे पीढ़ी आ रही है, उनको ये संदेश दें कि जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, जो भी हमारे देश के फेस्टिवल होते हैं, उनको उनको बारीकियों से समझाएं। ईस्ट दिल्ली के सभी साथियों को हमारे आने वाले 15 अगस्त के समारोह की लाख 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 बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुखरैन बरादरी कृष्णानगर धन्यवाद करता हूँ कि पिछले साल जो इन्होंने चाइनीज मांझे के ऊपर आवाज़ उठाई कि चाइनीज मांझा किस तरह खतरनाक हो रहा है 15 अगस्त पर, और आज भी एक बहुत बड़ी देन जो है कुखरैन बरादरी ने दी है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि कैसे हम पानी को बचाएं, जीवन बचेगा, पानी बचेगा जब भी हम बचाएंगे, पेड़ों को काटने से रोकें। पूर्वी जिला के एंटी नारकोटिक सेल के पुलिस ने दो युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए। बता दें एंटी नारकोटिक सेल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति फैजान शेख और अरकाना शेख गाजीपुर लैंडफिल साइट से कुंडली ब्रिज दिल्ली की ओर चोरी की गई सफेद फॉर्च्यूनर कार में घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं, जिसके बाद टीम ने गाजीपुर लैंडफिल साइट से कुंडली ब्रिज दिल्ली की मार्ग पर सुंखवार अस्पताल के पास हिंडन कैनाल रोड पर एक जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने एक सफेद फॉर्च्यूनर में बैठे दो व्यक्तियों फैजान शेख और अरकान शेख को रोका और मौके पर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर फैजान शेख के पास एक अत्याधुनिक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया और अरकान शेख के पास से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले में अभी आगे की जाँच की जा रही है। गीता कॉलोनी पुलिस ने दो फरार घोषित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बॉबी और मनीष कुमार के रूप में हुई है। फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए गीता कॉलोनी के SHO की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। टीम को फरार व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने लगातार छापेमारी कर दो घोषित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें आरोपियों को कड़कड़मा कोर्ट ने थाना खजूरी खास के एक मामले में फरार घोषित किया था। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।